स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में बताएंगे कि सॉलिड वर्क में हम नट कैसे बना सकते हैं। नट को बनाना बड़ा आसान है, तो वीडियो को एंड तक देखें और हो सके तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जब कभी आप सॉलिड वर्क पहली बार खोलोगे कुछ इस तरह से इंटरव्यू देंगे, तो हम सबसे पहले पार्ट्स में जाएंगे और यहाँ पार्ट्स एक आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पार्ट का ऑप्शन आएगा और ओके करेंगे। कुछ सेकंड में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यूनिट मिलीमीटर में लेंगे और इंटरफेस को क्लियर करने के लिए प्लेन को वाइट करें। सबसे पहले फ्रंट प्लेन लेंगे, स्केच करेंगे, उसके बाद पॉलीगॉन लेंगे और एक पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ तक नंबर ऑफ साइड पैरामीटर सेक्शन में ओके कर देना। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, किस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे और डायमेंशन 40 मिनट ओके कर देंगे। उसके बाद किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे और हॉरिजॉन्टल ग्रेड करते ओके कर। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस पे क्लिक करेंगे, मिड प्लेन चूज करेंगे और एक्सट्रूड करेंगे 20 mm ओके। कुछ तरह से एक्सट्रूड होगा, इस वाले फेस पे क्लिक करेंगे, स्केच और नॉर्मल। उसके बाद सर्कल सेलेक्ट करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ ओके। सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस करेंगे और किसी एक लाइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर एक ऑप्शन आएगा टेंशन, उस पर क्लिक करेंगे ओके। उसके बाद फीचर में आएंगे, एक्सट्रूड कट, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थ्रो वॉल पर क्लिक करेंगे, फ्लिप साइड टू वन उसको चेक करेंगे, ड्राफ्ट पर जाएंगे और 45 डिग्री आएंगे ओके। कुछ इस तरह देखने को मिलेंगे। उसके बाद इस सिलेक्ट करेंगे, स्केच एंड नॉर्मल, सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉइंग सर्कल से ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन और 20 मिलीमीटर का एक डायमीटर का एक सर्कल बनाएंगे ओके। फीचर पर जाएंगे, एक्सट्रूड कर और एक्सट्रूड करेंगे थ्रो वर्क। कुछ इस तरह से एक्सट्रूड होगा, फिर मिरर पर क्लिक करेंगे, इधर फीचर में ही ऑप्शन है मिरर। उसके बाद प्लेन सेलेक्ट करने है, तो इस वाले एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ फ्रंट प्लेन मिलेगा इसको। उसके बाद फीचर टू मिरर में एक्सट्रूड कट फैला वाला उसको सेलेक्ट करेंगे ओके। देख सकते हैं यही पीछे ही होगा। अब फीचर में ही फ्लिट के अंदर चैम्फर मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे, 1 mm लेना है, एंगल डिस्टेंस 45 डिग्री, इस वाले एज पर क्लिक करेंगे, वही सेम इस वाले एज पर ओके कर देंगे कुछ तरह से। फिर होल विद आर्ट के अंदर थ्रेड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे ओके। थ्रेड लोकेशन पूछ रहा है, सबसे पहले अंदर वाली जो एज इस पर क्लिक करेंगे, अप टू सिलेक्शन में ये जो फेस है इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये थ्रेड अंदर से बन रहा है, तो बाहर से बनाने के लिए ऑफसेट लेंगे
3 mm को लेंगे बट रिवर्स डायरेक्शन, देख सकते हैं। ओके तो इस तरह से हम नट्स बना सकते हैं। पूरे नट को क्लिक करेंगे, मटेरियल मेटल इस तरह से हम सॉलिड वर्क में नट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना।